नमस्कार साथियों, मैं सौम्या पुण्य किंगडम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है एक डेमो वीडियो कह सकते हो आप इसे। मैं जो है मेरी डॉपलॉट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की 7.5 kg की, उसके अंदर बेडशीट जो है वो वॉश करके आपको दिखाने वाली हूँ। बेडशीट का प्रोग्राम जो है हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर टोटल मैंने चार जो है चारपाई वाली जो बेडशीट है वो डाली है, और एक डबल बेड की बेडशीट है विद पिलो कवर वो डाला है, और एक मैट्रेस कवर है बड़ा सारा बेड का जो मैट्रेस होता है, सिंगल मैट्रेस है मेरे बेड का और फुल साइज़ है। तो जो है उसका जो कवर है वो भी मैंने इसके अंदर धुलने के लिए डाला है। तो इतने सारी यानी कि चार चद्दर हो गई आपकी सिंगल बेड की बोल सकते हो आप, और एक आपके डबल बेड का कवर हो गया, और एक डबल बेड की आपकी बेडशीट विद पिलो कवर्स हो गई, ठीक है। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ये जो मेरा स्पून है, इसे 1.5 स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डिटर्जेंट यूज़ किया है, ठीक है। और देखते हैं अब हम क्या करने वाले हैं इसके साथ में। सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन को करेंगे ऑन, और वहाँ से हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे हमारा P8। आप देख लीजिए 12 प्रोग्राम्स इस वॉशिंग मशीन में मुझे मिलते हैं, ये 6 सेंस टेक्नोलॉजी हैं और ऑटोमेटिकली P1 पे आता है ना जब भी आप वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे बेडशीट धोनी है, तो ये इसका प्रोग्राम P8 पे है, तो मैं इसको P8 तक लेकर जाऊंगी। बार बार जो है प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे तो P8 आ जाएगा। ये आ गया P8, और P8 क्या है, बेडशीट्स के लिए हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी सेटिंग्स होती हैं, कितना ये पानी लेगी, कितना ये सर्फ लेगी, कितना ये टाइम लेगी, ये सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर 6 सेंस टेक्नोलॉजी है, तो वो उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही चलती है मशीन, है ना। और जैसे पानी गर्म चाहिएगा या ठंडा चाहिएगा बेडशीट को, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। तो जब हमने P8 प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया, सबसे पहले ये मशीन खाली घूमती है ताकि ये वेट मेजर करती है, कितने वेट जो है, कितने हैवी आपने कपड़े डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिटर्जेंट सजेस्ट करती है। और वॉश साइकिल का जो टाइम है वो यहाँ पर 1 घंटा उसने सजेस्ट किया है। ऑटोफिल पे आ गया है ऑटोमेटिकली, एंड हॉट वाटर में देखिए वार्म वाटर से ये क्या करेगी, सारी बेडशीट्स जो हैं उनको धोएगी। तो 59 मिनट्स बचे हैं और पानी आना स्टार्ट हो गया है वॉशिंग मशीन में, और ये अपने आप जो है फिल करके हमारे पास रेडी हो जाएगी। अच्छा, 59 मिनट्स से ज़्यादा ही वक्त लगता है, क्योंकि ये जब पानी आप देखेंगे, जब ये पानी लेती है मशीन, तो वो टाइम जो वो क्या नहीं करती, उसके अंदर ऐड नहीं करती। अब 23 मिनट्स बचे हैं, और ये देख लीजिए पानी जो है कितना लिया है वॉशिंग मशीन ने। कुछ लोगों के मिथ है कि ये जो ऑटोमेटिक टॉप लोड होती हैं वो पानी बहुत ज़्यादा लेती है, तो आप देख लीजिए इतनी सारी बेडशीट हैं और ये पूरी पूरी सिर्फ सोक हो रही हैं, इतना ही पानी वॉशिंग मशीन ने लिया है। ये एक बार थोड़ा सा पानी और लेती है इससे ज़्यादा, लेकिन पूरा टब को नहीं भरेगी। तो ये आपका मिथ है कम्प्लीटली कि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ्रंट लोड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक सेमी जो वॉशिंग मशीन होती है सेमी ऑटोमेटिक, उनसे कम लेती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे मायके में जो है वो फ्रंट लोड है, और ये यहाँ ससुराल में हमारे पास क्या है, टॉप लोड मशीन है। तो दोनों को मैंने यूज़ करके देखा हुआ है, दोनों ही अपनी अपनी जगह, दोनों ही वॉशिंग मशीन बेस्ट हैं। अब देखिए 20 मिनट्स बचे हैं, तो ये 20 मिनट्स का जो साइकिल होता है ना, ये क्या होता है, रिंस एंड ड्राई का साइकिल होता है। अब वॉशिंग मशीन क्या करती है, सारा जो पानी था सर्फ का उसको क्या कर देगी, ड्रेन कर देगी, और नया पानी जो है वो फिल करेगी, और उससे 2 बार रिंस करती है ये 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अभी जो है फुल स्पीड के साथ में ये क्या कर रही है, स्पिन करती है, जितना भी सर्फ है कपड़े के अंदर या वॉशिंग मशीन के अंदर वो सारा बाहर निकल जाएगा, और देन उसको ये 18 मिनट के ऊपर जो है फिर से क्या करने लग जाती है, पानी दोबारा लेना स्टार्ट कर देती है। यानी कि 20 मिनट से 18 मिनट यानी 2 मिनट तक ये क्या करती हैं, वाटर को ड्रेन करती हैं और कपड़ों को क्या कर रही है, ड्राई कर रही है, ठीक है, जो इसमें से ताकि सर्फ के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो जैसे ही 18 मिनट होंगे वैसे ही ये दोबारा पानी लेना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। तो अब ये दोबारा पानी लेना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, तो इसमें क्या करना होता है, अब एक छोटा सा टिप है, हम करेंगे पोस, और फिर जितने भी ये आपके कपड़े हैं इनको खिलार खिलार के क्या करेंगे, इनको एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो अब जैसे बेडशीट्स हैं तो वो क्या है, लंबी लंबी होती है, तो ढंग से खिलारी नहीं जा रही थी, तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बाहर निकाल कर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे खिलार खिलार के अगर आप डालेंगे तो इसमें कोई भी सर्फ नहीं बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर सलवटें नहीं होगी ज़्यादा, है ना। ये टॉप लोड के अंदर चाहे आप सेमी ले लो चाहे कोई ऑटोमेटिक ले लो, टॉप लोड में थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू फ्रंट लोड जो है कपड़ों के अंदर सलवटें थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो आप उससे बच सकते हैं। मैं ये करती हूँ, मैं बीच में जब रिंस का साइकिल आती है, अब देख लीजिए मैंने इसी मैट्रेस कवर है ये मेरा,
उसको मैंने अच्छे से खिला के मशीन में फैला दिया है। सेम इसी तरीके से मैं पिलो कवर्स एंड बाकी जितने भी ये बेडशीट्स हैं उनको खिलार के डालूंगी। जब खिलार के डालूंगी तो पानी अच्छे से उसके अंदर जाएगा और जो ये सलवटें जो गिरती हैं कपड़ों के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा और फिर रिज़ल्ट देखना, आपका मन खुश हो जाएगा। तो जब आप प्रेस करेंगे कपड़ों के तो आपकी मेहनत जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर ऑटोमेटिक का फ़ायदा क्या है, निकालनी तो पड़ती है। देखिए ये टिप्स हैं, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये आपका टाइम सेविंग ही है। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं सारे कपड़ों को अरेंज करने में। और फिर से मैंने इसको क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये पानी लेगी फिर से और कपड़ों को धोएगी। अब देखिए 18 मिनट से इसने पानी लेना स्टार्ट किए हैं एंड ये अराउंड 10 मिनट तक जो हैं उसी पानी में कपड़ों को क्या करेगी, धोएगी, अच्छे से रिंस करेगी। और उसके 10 मिनट के बाद फिर से क्या करेगी, ये उस पानी को ड्रेन कर देगी और दूसरा पानी जो है उसमें फिल कर लेगी। 10 मिनट से लेकर 8 मिनट तक वो साइकिल चलेगा और 8 मिनट के बाद में फिर से वो क्या कर देगी, पानी को ड्रेन कर देगी। और जब 6 मिनट बचेंगे आपके पास तब वो क्या कर देगी, लास्ट जो आपका ड्राई वाला ऑप्शन होता है वो 6 मिनट तक आपके कपड़ों को क्या करता है, ड्राई करता है। तो ये है इस वॉशिंग मशीन का डेमो, आपने देख लिया होगा और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। कोई भी जो परेशानी है मैंने नहीं उठाई है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में। अराउंड 5 ईयर्स हो गए हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए और आप देख लीजिए पानी भी इतना ज़्यादा नहीं ले रही हैं। कोई कोई लोगों के मिथ होते हैं कि ये पानी बहुत ज़्यादा लेती हैं, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगी तो वाटर की वेस्टेज होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा साइकिल मैंने आपको अच्छे से दिखाया है कैमरा के अंदर कितना पानी है, जो है 4 बेडशीट सिंगल और 1 मैट्रेस कवर है, 2 बेडशीट है, कितना पानी है, 2 बार है ना, जितना मैंने आपको दिखाया है उतना पानी चीज़ है। घर पर भी करती हुई है उससे ज़्यादा बार चीज करती है, तो ये ड्रम बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, अगर आप कपड़ों को खिलार के डालेंगे तो उसमें सलवटें नहीं आएंगी। ये एक मैं हमेशा से ही यूज़ कर रही हूँ इस टिप को, तो मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का। तब ये लास्ट बार देख लीजिए, दोबारा फिर से पानी ले रही है और क्या करेगी, ड्रेन कर देगी, है ना, पानी को। तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। आप देखते रहिए किस तरीके से जो बेडशीट है हमारी आराम से धुल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई पानी निकालने की टेंशन नहीं, है ना, ना कोई बाल्टी चाहिए आपको, ना कोई टब चाहिए क्लीनिंग पानी निकालने के लिए। और जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन ऐसे लगता है जैसे महासंग्राम ही हो गया हो तो बहुत ईजी है, कम्फर्टेबल है, आप अपना जो काम है आराम से दूसरा काम कर सकते हैं जब तक आपके कपड़े धुल करके सूख करके आपको रेडी मिलते हैं, है ना। मशीन आवाज़ भी लगा देती है, अलार्म जो है वो बज जाता है कि साइकिल जो है वो एंड हो गया है, अब आप कपड़े को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल लीजिए। तो जब 6 मिनट बचते हैं, आखिरी के जो 6 मिनट होते हैं, ये देखिए 6 मिनट बचे हैं, ये क्या करेगा, इस 6 मिनट के अंदर वाटर को ड्रेन कर देगा एंड लास्ट स्पिन जो है वो लेगी मशीन और फिर बस रेडी है। तार पे आप डाल दीजिए अपने कपड़ों को सूखने के लिए। और तो ये था आज का वीडियो, आई होप थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दे दी है आपको कि जो टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं उनके साइकिल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Help me, Blake, as a man taken to say.